अब क्वेश्चन नंबर 7 है कि साधारण नमक के पानी के साथ मिश्रण में नमक और पानी का भार के अनुसार अनुपात 370 है। मतलब नमक और पानी का मिश्रण मिलाया गया है जिसमें 30% जो है नमक है और 70% जो है क्या है पानी है। ठीक है, अब उसी तरह के 1 किलोग्राम मिश्रण में से, अब उसी तरह का 1 किलोग्राम मिश्रण बना हुआ है, वो कह रहे हैं कि यदि उसमें से 100 ग्राम पानी उड़ जाए, भाप बनकर उड़ जाए, तो भार के अनुसार नमक और पानी का अनुपात क्या होगा। अब बताओ जी, ये पानी 100 ग्राम उड़ गया, ये बताना है, तो अब नया अनुपात ज्ञात करना है आपको, तो इसका शुरू करते हैं। तो क्या है, मिश्रण में नमक और पानी का अनुपात, तो लिखेंगे मिश्रण में, ये जो मिश्रण है, मिश्रण में नमक और पानी का अनुपात जो दिया गया है, नमक और पानी का अनुपात, नमक और पानी का अनुपात, नमक और पानी का अनुपात क्या है, 30 और 70 का, ये 30 और 70 का है। ठीक है, अब कह रहे 1 किलोग्राम मिश्रण यदि हो, तो पहले तो 1 किलोग्राम मिश्रण में कितना नमक कितना पानी है वो देख लो। तो 1 किलोग्राम मिश्रण में, 1 किलोग्राम माने 1 ग्रा मिश्रण में नमक की मात्रा, नमक की मात्रा देखो जी कितना है, 30% है, तो 1 किलोग्राम में 30% कितना होता, 300। 30% अर्थात 300 ग्राम, किलोग्राम ही, अब 30% में ग्राम में ही आएगा। ठीक है, तो अब इसी में पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, अब इसी में पानी की मात्रा कितनी है, 70% ना, तो 70% का कितना हो जाएगा, 700 ग्राम, यही तो कह रहे हैं। अब ये कह रहे हैं अगला कि यही जो 1 किलोग्राम वाला तुम्हारा ये जो मिश्रण है, इसमें से 100 ग्राम पानी भाप बन के उड़ गया। अब मान लो खुला रख दिया हो, है ना, तो जब देखा तो इसमें से पानी उड़ गया है, तो इसको पानी 100 ग्राम उड़ाओ, तो मिश्रण में से 100 ग्राम पानी भाप बनकर उड़ जाता है। अब इसी 1 किलोग्राम मिश्रण में क्या होता है, पानी 100 ग्राम उड़ जाता है, में पानी 100 ग्राम भाप बनकर उड़ जाता है, क्या हो रहा है, भाप बनकर उड़ जाता है। उड़ा दो, आप भी उड़ा दो, चलो उड़ाते हैं। ये हमारा 700 ग्राम पानी है और इसमें से 100 ग्राम पानी उड़ गया, तो अब कितना बच गया, 600 ग्राम पानी बचा, पानी कितना बन गया, 600 ग्राम। ठीक है, अब कह रहे हैं कि तो अब बताओ, अब जो भार बचा, जितना भी बचा, उसमें नमक और पानी का अनुपात क्या हो जाएगा, तो नमक तो ये निकाला था, ठीक है, और पानी अभी इतना बचा हुआ है। ठीक है, तो नमक और पानी का अनुपात, तो भार के अनुसार नमक और पानी का अनुपात यहां पर लिखेंगे, भार के अनुसार, यानी अब वो तो जो उड़ना था उड़ गया, अब 100 ग्राम उड़ गया तो 900 भी बचा ना, बचा जितना भी बचा 900 बचा, 900 में अब पानी 900 ग्राम में, तो भार के अनुपात में नमक और पानी का अनुपात, नमक और पानी का अनुपात, तो ये तो नमक है और ये रहा पानी। ठीक है,
अभी अभी निकाले हो नमक कितना है 300 ग्राम, और 100 ग्राम पानी उड़ने के बाद जो है पानी उड़ने के बाद अभी पानी बचा है 100, ये और 3 एकम 3, 3 दूनी 6 अर्थात 1/2 ये अनुपात हमारा चाहिए था। तो जब पानी उड़ गया तो अनुपात 1/2 का मिल गया। ये रहा हमारा 7वां प्रश्न। आठवां सवाल लेते हैं कि मधुमक्खी के एक झुंड का आधा भाग, ठीक है, मधुमक्खी तो जानते हैं ना जो शहद बनाती है, उसका आधा भाग सरसों के खेत में शहद इकट्ठा करने गया, माने उसके पराग चुनने गया है। अब शेष भाग का 3/4 खेत गुलाब के खेत में चला गया, मतलब मधुमक्खियां भी पसंद करती हैं, कुछ सरसों के खेत में जा रही हैं, कुछ गुलाब के खेत में, और ये कह रहे हैं जो बची हुई है यानी शेष बची हुई 10, और ये पता चल गया कि 10 ही बची हैं, अभी तक ये निर्णय नहीं ले पाई हैं कि किधर जाना है, तो वहीं पर मंडरा रही हैं। तो ये कह रहे हैं झुंड में अब बताओ कुल कितनी मधुमक्खियां थी, तो चलो जी देखते हैं कितनी थी। तो क्या करना है, तो शुरू करते हैं, यहीं से शुरू करते हैं, झुंड में कुल कितनी मधुमक्खियां थी, तो मान के चलते हैं कि एक्स मधुमक्खियां थी, तो हल करते हैं, माना झुंड में एक्स मधुमक्खियां थी, मधु मक्खियां थी। जहां से प्रश्न वो पूछ रहा है वहीं से हम लोग उसका जवाब शुरू करते हैं ऊपर की तरफ, ठीक है। कुल कितनी थी अब हमें पता नहीं, तो हम मान लेते हैं कुल एक्स थी, ठीक है, ये तो हुआ। अब कह रहे हैं कि उस एक्स का आधा भाग सरसों के खेत में शहद इकट्ठा करने गया, तो एक्स का आधा भाग, एक्स का या झुंड का ऐसा लिख दो, क्योंकि झुंड की बात कर रही है ना, तो एक्स अपने आप बात कराएगा, झुंड का आधा भाग, झुंड का आधा भाग कहाँ गया है, सरसों के खेत में, सरसों के खेत में गया, काहे के लिए गया है, मधुमक्खी है तो शहद इकट्ठा कर रही है, तो एक्स का आधा माने x/2, ठीक है ना, एक्स का आधा x/2 भाग। अब वो कह रहे हैं अब जो बचा है वो कितना बचा है, एक्स का आधा भी x/2 ही बचेगा, तो शेष भाग का 3/4 खेत के गुलाब के खेत में, चलो तो शेष का 3/4 ये निकालो जी, शेष का 3/4 यानी 3/4 कहां जा रहा है, गुलाब के खेत में, गुलाब के खेत में, ये जी, तो 3/4 कितना x/2 का, यानी जो बचे हुए हैं x/2 तो खेत में चला गया, अब कहां सरसों के, अब ये जो है 3/4 भाग इसका भी चला गया कहां पर, गुलाब के खेत में, 3/4 चला गया। अब जो बचा हुआ है कितने हैं 10, तो शेष बची मधुमक्खियां, शेष बची मधुमक्खियां, शेष कितना है, शेष बची है 10, और ये सारी की सारी मिलके कितनी है, वो सारी की सारी मिलके 10 एक्स के बराबर है ना, अतः प्रश्नानुसार, अतः प्रश्नानुसार ये क्या कह रहे हैं, कुल एक्स है और ये सारी की सारी मिलके जब जो सरसों के खेत में गई गुलाब के खेत में बही और 10 ये सारी सारी मिलके एक्स है, तो देखो जी एक तो x/2 सरसों के खेत में गई थी और ये जो है इसका मत निकाल लो, तो ये बन जाएगा 3x और ये बचेगा 4 दूनी 8, यानी ये 3x/8 आ गई है, तो ये 3x/8 और ये जो 10 शेष बची थी और ये सब मिलके x के बराबर हैं,
ठीक है, बीचों बीच लिखिए 10, यानी कि सरसों के खेत गुलाब के खेत में गई और जो बची हुई ये सारी सारी मिलके इसके बराबर हैं। तो अब इसको हल कर देना है, आप x का मान निकाल लीजिए और ये मधुमक्खी निकल आएगी। तो अब आप क्या करते हैं, इन सारे x को उधर ले जाइए ये वाले, तो ये बचा रहेगा, तो इधर लिख लेते हैं 10 और ये सारे सारे उधर ले चलते हैं। मैं x बटे 2 और 3 x बटे 8 ये लगे, सारे सारे x आ गए। तो अब जो है इसको बटे 1 कर लेते हैं, फिर बाद में लास्ट में कर देंगे। इधर 10 है तो 10 रहने दो, इधर आ जाएगा 2 और 8 का लघुत्तम हो जाएगा 8, ठीक है। तो 1 8 8 माने ये बन गया 8x, 2 4 8 4 और 3 बन गया 4x और 8 1 8 अर्थात ये 3x, तो ये कितना बन गया 8, ये 10 बराबर ये कितना 8x में से 7x, ये 8x में से ये 7x निकल जाएंगे। तो इधर अभी भी 8 है, आगे हल करके देखेंगे तो ये 10 बराबर 8 में से 7 चला गया था x बटे 8, इसका तिर्यक गुणा कर दीजिए अर्थात x बराबर 10 गुणे 8 अर्थात 80, 80 क्या लिखी मधुमक्खियां, ये सॉरी 80 मधुमक्खियां, ऐसा अरे अच्छे से बना दो भाई, अब ठीक है। तो ये ज्ञात करना था, यानी कुल मधुमक्खियां कितनी थी 80, ये ज्ञात करना था। तो ये रहा हमारा 8वां प्रश्न।